मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर की परिभाषा समझें थोड़ी सी भाई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब जैसे सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई है, आप कभी दिन में या हफ्ते में एकाध बार एक ऐसी हिलोर उठा करे इंसान का अपने आप, एक अपने आप उमंग सी हिलोर सी उठती है अंदर से एक लहर, और उस समय सब प्राणियों से प्यार हो जाता है, शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता। लेकिन वो लहर अक्षीणिक होती है थोड़ी सी देर के लिए, और उस लहर के जाते ही फिर वो एक कैर की लहर शुरू हो जाती है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे नहीं हुआ, बिजनेस में घाटा हो गया, लड़के का इंटरव्यू नहीं होया था उसमें फेल हो गया बच्चा, लड़की ब्याही थी उन्हें कम में टकरा गए बेटे, दारू पी हुए है, यानी इतने समस्या पैदा हो जाती है, कहर की लहर शुरू हो जाती है। और वो एक लहर थी मेर की, सब ऐसी भावना ऐसी आनंद आया था उसमें। कहते ऐसी शंखों नील पदम शंखों लहर मेहर की उपजे उस सतलोक में, और कहर नहीं जा कोई। गरीबदास जी बता रहे कबीर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई। अब उसमें चलने के लिए कह रहे हैं परमात्मा, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ये वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे आपको सतलोक में नौकरी मिल जाएगी, वहाँ स्थाई स्थान मिलेगा। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपके जन्म और मृत्यु को समाप्त कर सके। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साधन नहीं इस दास के अतिरिक्त, अभिमान नहीं ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये अमर मंत्र और ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, ना किसी के पास था, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा के साक्षात्कार हुआ था। लेकिन उनको आदेश था कि अभी इस तत्वज्ञान और सारनाम इस अमर मंत्र को किसी को नहीं बताना, नहीं तो नकली संत अधिकारी नहीं होंगे फिर भी इन मंत्रों को देते होंगे, उनसे लाभ कुछ होना नहीं, लेकिन जनता भिन्नता नहीं समझ सकेगी और काल के जाल में रह जाएगी। इस पिछली पीढ़ी तक इसको छुपा के रखना था। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे। अपुण आत्माओं, ये एक ऐसे कुछ चुने हुए परमात्मा के ये अमरवाणी शब्द हैं जो हर प्रकार का ज्ञान आपको देंगे। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, प्रत्येक सत्संग में कुछ ऐसे हैं जो प्रत्येक सत्संग को अटेंड करते हैं और बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, अब वो स्वस्थ है। जैसे जब इंसान को कोई बुखार हो जाता है यानी जबर हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती, यानी कड़वी मीठी चीज़ भी जैसे रोटी है, सेब संतरा काजू किशमिश, ये भी कड़वी लगती है, स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि बुखार ने उसकी व्यवस्था, उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी लग रही है। तो पुण्यात्माओं, जब कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, कड़वी टैबलेट खानी पड़ती हैं उस रोग को समाप्त करने के लिए, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है, वो फांके मारने पड़े कुनीन की गोलियों के,
और जब वो बुखार उतर जाएगा, जबर उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वही रोटी जो कड़वी लगे थी स्वादिष्ट लगेंगी। अब पुण्यात्माओं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, रोटी अनाज वही होता है, गेहूँ की रोटी गेहूँ की, सुबह भी और शाम भी, और दोनों समय वही भूख इतनी जोर की लगे है और वो रोटी स्वादिष्ट लगती है, तो आप स्वस्थ हैं। और जिस दिन ये रोटी अच्छी नहीं लगती, वही आटा वही रोटी, समझ लिए आप अस्वस्थ हो गए। उसका इलाज क्या है कि फिर वो कड़वी गोलियों की फांकी फेर मार और तब स्वस्थ होगा। तो ये वही ज्ञान, वही शब्द, जितनी बार आओगे वही रोटी आपको खिलाई जाएंगी, ताकि आप स्वस्थ बने रहो, आपका शरीर मजबूत रहे। आहार करना अति आवश्यक है। तो ये ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ आपको बार बार सुनानी पड़ती है। तो आपको ये ज्ञान जितनी बार सुनते हो उतना ही अच्छा लगता है। तो आप के ऊपर पाप कर्म का दबाव बना नहीं, आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी भक्ति आपकी चल रही है। और जिस दिन आपके मन में न्यू आ जा गुरु जी, वह बात बताओगे के करेंगे सत्संग में जाके, तो समझ लो आपके ऊपर फिर पाप कर्म का कोई दबाव फिर आ गया, आपकी आत्मा अस्वस्थ होगी। तो उसका क्या इलाज है कि ना चाहते हुए भी सत्संग सुना बैठ जा आराम ते, और थोड़ी सी देर के बाद वो फिर हट जाएगा वो मैल, और फिर आनंद शुरू हो जाएगा। भाई कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबे बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कोट जन्म तन या जन्मते और मरते न हो गए, अभी तक तो तेरा कुछ हाथ लग्या नहीं। क्या बताया, कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। परमात्मा हमें कितनी प्यारी वाणी बता रहे हैं, भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा, मन तू चल रे सुके सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। करोड़ जन्म राजा भी रह लिया और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तेरी, और ईब अगर अब इस जीवन में तो एक दो कोठी बना भी लेगा, एक लंबी कार भी ले लेगा, के कला टूट जाएगा, फिर काल दाब देगा टीट भी। अब जैसे आपने देखा एक प्रांत का मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी पावर मानता अपने आप को, और के क्या हुआ उसके संग में, एक सेकेंड में गया। इससे पहले हरियाणा के दो मंत्री और पैसे की कमी नहीं उनके पास, एक ही हेलीकॉप्टर में क्रश होकर दोनों का सेकंडों में विनाश हो गया। ये बातें भगत ने याद रखनी पड़ेंगी, संसार तो रक्षा नहीं करे क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर तो काल का दबाव है। और भगत ने अपने इस भक्ति को सुचारू रखने के लिए ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, और तभी हम यहाँ आ सकते हैं और भगवान भक्ति की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं। क्या बताते हैं, भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, है और भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण राशा। साधना भी बहुत की तुमने, इतनी कठिन साधनाएं की कि जैसे घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, गांव से रोटी सूखी मांग लाया भिक्षुक बन के, भिक्षा ले कर, और वहाँ दो रोटी खाई, दो टांग दी वृक्ष की टहनी के, सूखगी श्याम ने सबेरे बह के वही खा ली। ऐसी भी कठिन साधना की लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति न्यों की न्यों रही। मन तू चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, सुख का सागर। ओह, आप समुद्र में जहाज में बैठ गए और 200 किलोमीटर चले जाओ की तय, और फिर चारों तरफ देखो, आपको कुछ भी दृष्टि कुछ भी नज़र नहीं आओगा, जल ही जल, जल ही जल, जहाँ देखो जल ही जल। तो ऐसे ही जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ दुख नाम की चीज़ नहीं होगी, सुख सुख, सुख का सागर,
और ये दुख का सागर, ये दुख का सागर जहां हम रह रहे हैं और वो सुख का सागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर, कोट जन्म तुन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बौरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। व्यक्षक हो कदर दर घूमया, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णु नाथ के लोक को जाके तू फिर भी वापस आया। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मृत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे। असंग जन्म तन मृत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर ना दे धर रे। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खुशिया। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहां चंपी ही करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार किया था आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से, अपने सुख सागर से चलकर आए थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत में। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे और अपने ही खेतों में, किसान के घर जन्म था संत गरीबदास जी का। अपने ही खेतों में, अपने ही गायों के वो पाली गए हुए थे, गवाले थे। वहाँ परमात्मा सतलोक से आए थे कबीर जी और अपनी प्यारी आत्मा को मिले, अपना तत्व ज्ञान समझाया, सचखंड लेकर गए और सतलोक में अपनी पूरी सतीथि से परिचित कराया, पूरे अन्य ब्रह्मंडों को दिखाया, सब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, ब्रह्म परब्रह्म ये काल दिखाया, परब्रह्म की सतीथि बताई और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। गरीबदास जी को मृत जान करके घर वालों ने, गांव वालों ने चिता बनाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी। उसी समय आत्मा वापस प्रवेश कर दी प्रभु ने और वो अपने आप जो
चिता पर लिटा रखे थे, वो बंधन भी कट गए और उठ कर चल पड़े गरीबदास साहब, 10 वर्ष के बालक। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की जो आज आपको दास सुना रहा पढ़ पढ़ के, और आंखों देखा परमेश्वर का वो हाल बताया जो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा को आकर के संदेश दिया था। अब पुण्य आत्माओं, हम वेदों को, हम क्या वेदों को तो पूरी पृथ्वी पर सभी ये कहते हैं वेद में जो ज्ञान है वो सत्य है, और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है, और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अब ये ऐसा प्रमाण किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा और किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा। वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया माँ से, वो कभी वो सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है, ये उसका पहचान। अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, अपना तत्व ज्ञान समझाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9 और 10, अब 9 मंडल को देखेंगे ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने गलत लिखा है, महर्षिदानंद सरस्वती कृत नहीं, इसके अनुवादकर्ता दयानंद नहीं है। ये कहाँ से छपा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ोती हाउस दरियागंज, नई दिल्ली। फिर भी हम यहाँ से देखते हैं 9वें अध्याय का मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में 86 में, ये देखिएगा ये मंडल नंबर 9 सूक्त 86 ऋग्वेद, और ये 26 नंबर मंत्र, इसमें स्पष्ट लिखा है कबीर अतो, कबीर हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर हम इसमें ना। अब हम क्या समझाना चाहते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब इन्होंने कवि का अर्थ, ये कबीर शब्द है वैसे संस्कृत में कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे कबीर, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, हम इसको कबीर कबीर देव लिख दें, कबीर प्रभु कबीर देव, विद्युत के समान यानी अति शीघ्रगामी क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली एकदम चमक कर आ जाती है करता हुआ, अब वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, वरम माने श्रेष्ठ, वारम वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है विद्युत के समान चलकर। देखो यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले के लिए परमात्मा, भक्ति करने वाले के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अलका तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा आता, वह पर कांतिमान परमात्मा यानी कबीर देव, विद्युत के समान यानी बिजली जैसी चमक के इतनी शीघ्रता से अपने श्रेष्ठ पुरुषों के को आकर प्राप्त होता। 27 में देखो प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं परमात्मा को प्राप्त होती हैं, प्रकाश पुंज परमात्मा को, बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं जो परमात्मा धूलोक के, धूलोक या धूलोक मानुष तेजोमय लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाश करती हैं। अब देखो
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में क्या लिखा है प्रथम मंत्र में कि जो सर्व उत्पादक प्रकाश रूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला वह राजेव राजेव माने राजा की तरह है, राजा के समान, ये खुद लिख रहे हैं अनुवादकर्ता यही हैं, राजा के समान दर्शनीय है देखने योग्य है वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अपुण्यात्मा कितना स्पष्ट है, जो उसके पक्के भगत हैं उनको आकर मिलता है, जैसे आदरणीय नानक जी को मिला, आदरणीय गरीबदास जी को मिला, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय रामानंद महर्षि जी को मिले, जो उनके पिछले जन्म जन्मांतर के जो श्रेष्ठ भगत थे वो फिर दोबारा आगे किसी कारण से तो उनको आकर मिलता है और अपने तत्व ज्ञान को उनको समझाता है। आगे देखो अभ्यासी का आपने एक पढ़ा, अब दूसरा पढ़िए कितना स्पष्ट कर दिया इसमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक आपने पढ़ा कि वो दृढ़ भक्तों को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, वर्णीय यानी श्रेष्ठ पुरुषों को भक्तों को। अब दूसरे में फिर लिखा है कि वह हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप अपने तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ये कबीर शब्द भी लिखा है, यहाँ देखो ये कबीर वेदस्या, और यहाँ देखो तीसरे में इसी के तीसरे मंत्र में 9:82 के तीसरे मंत्र में ऋग्वेद में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए यानी चल कर आते हैं सर्वव्यापक आप ये आप शब्द है, आप गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर यानी वहाँ से चल कर विराजमान होते हैं। अब देखिए मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 20 में और बहुत स्पष्ट किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में। अब यहाँ देखो 96 के श्लोक नंबर 18 को लेते, वैसे तो काफ़ी अलग विवरण भी है क्योंकि कबीर परमात्मा ज्ञान देता है, कबीर वाणी है। अब हम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया, इसमें मूल संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं है। ऋषि मना ये ऋषिकृत सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषी महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप, स्तूप माने होता गुम्बज में, वो परमात्मा गुम्बज में और उस तीसरे धाम में यानी सतलोक में विराजमान है। और देखो वहाँ से चलकर आता है ये 20 में, देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है उसी इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उत्सवर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में इस ब्रह्मांड में भली भांति प्रविष्ट होता है, और जैसे मरिय माने मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ ऐसे परमात्मा मनुष्य की तरह ही अन्य रूप धारण करके अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान यानी तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ यानी वहाँ से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है, ऐश्वर्य का करने वाले परमात्मा से नहीं, ये धनानाम माने हैं जो भक्ति के धनियों को वो परमात्मा
वहाँ से गतिशील होकर के, और जैसे मनुष्य सुंदर अन्य शरीर धारण करके सुबर शरीर धारण करता हुआ मनुष्य की जैसा, मनुष्य जैसा ने यहाँ होता है कि न मरिए, मनुष्य मनुष्य जैसा शरीर धारण करके वो अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ आता है या उन नेक पुरुषों को मिलता है। अब इसमें क्या बताया है, और यही ये दास पहले से बताता हुआ आ रहा है कि परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझाने के लिए बताने के लिए आता। काल ने तो इस तत्व ज्ञान के स्थान पर पूरा अज्ञान समाज में पेश कर रखा होता है, उस अज्ञान रूपी उड़जे हुए नौमन सूत को कबीर परमात्मा ही सुलझाने के लिए आता है। यज फिर स्वयं भी आते हैं, उसके बाद इस मेरे जैसे दास को यहाँ भेज देते हैं और फिर अपना काम वो स्वयं ही करते हैं इस दास को एक नियमत बना के।